समय की बात है भक्तों, भगवान शिव अपने ध्यान में मग्न थे, सभी शिवगण भी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। ऐसे में माँ गौरा ने सोचा कि क्यों ना जब तक भगवान शिव की तंद्रा वापस आए मैं स्नान कराऊं। सो स्नान हेतु अपनी दो सखियों जया और विजया को साथ लेकर स्नानाग्रह की ओर चल पड़ी। जाते जाते नंदी को संदेश दिया कि हे नंदी, यदि भोलेनाथ की तंद्रा भंग हो जाए तो उन्हें सूचित कर देना कि मैं स्नान हेतु स्नानाग्रह गई हुई। संदेश दिया, प्रभु माता स्नान तो गई है। भगवान शिव ने सोचा अब तक स्नान पूर्ण हो चुका होगा, इसलिए वही जाकर महलों में गौरा से मिल लेता है। और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। द्वार से हट जाओ पालक। कदापि नहीं, जब तक माँ आज्ञा नहीं देती मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। जिद मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। ये असंभव है। देखो तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते, रास्ता छोड़ो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक, आपको आपके अहंकार का दंड अवश्य मिलेगा।
के प्रहार से भला इस सृष्टि में कौन बच सकता था भक्तों। सो बालक की गर्दन पर त्रिशूल पड़ते ही उसका शीश कटकर आकाश में उड़ गया, चारों ओर शोर शराबा हो गया कि तभी माँ गौरा क्रोध में थरथराने लगी, रुदन करने लगी, क्रंदन मचाने लगी। हर को मातलिए गुड़ लड्डू सारी सुरवर को